अपाहिज चुड़ैल स्टूडेंट। बेलापुर गांव में एक बेहद गरीब परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ 3 लोग ही थे, राम, किशोर और आरती नाम के पति पत्नी। अपनी 8 साल की बेटी मधु के साथ रहते थे। मधु अपाहिज थी, उसका एक पैर नहीं था। एक दिन बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे थे, तभी वहाँ मधु भी जा पहुँची और उन बच्चों से बोली, क्या तुम मुझे भी अपने साथ खिलाओगे? मैंने बहुत दिनों से खेला नहीं। तुम एक टांग से कौन सा खेल खेलोगी? अगर हमने तुम्हें अपने साथ खिला भी लिया तो तुम हमारा खेल खराब कर दोगी, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिला सकते। अब जाओ यहाँ से। तुमने सही कहा रानी, मधु तो सिर्फ एक ही खेल खेल सकती है, वो है लंगड़ी टांग, एक टांग से खेलने वाला खेल। अगर तुम लोगों को मुझे अपने साथ नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, पर मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। इतना कहकर मधु उदास होकर घर वापस लौट आई। शाम को जब मधु के पिता राम किशोर काम पर से घर लौटा तो अपनी बेटी मधु को उदास बैठा देख बोला, क्या हुआ बिटिया, तुम उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है? बाबा, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। दिल छोटा मत करो बिटिया, अब से मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। मधु अपने पिता के साथ कुछ देर खेलकर फिर खाना खाकर सो गई। उसके बाद मधु के माता पिता आपस में बातें करने लगे, मधु के साथ कोई नहीं खेलता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, ये सब मुझसे नहीं देखा जाता, बेचारी को कितना बुरा लगता होगा। अगर मेरी बात मानो तो मधु का दाखिला नदी के पार जो सरकारी स्कूल है उसमें कर दो, स्कूल जाएगी तो उसका बच्चों के बीच मन लगा रहेगा। तुम सही बोल रही हो आरती, मैं कल सुबह ही मधु का दाखिला स्कूल में जाकर करा आता हूँ। सुबह होते ही राम किशोर मधु का दाखिला स्कूल में करवा आया। मधु भी बहुत खुश होकर स्कूल चली गई, पर स्कूल में भी सभी बच्चे उसे लंगड़ी लंगड़ी बोलकर चिढ़ाने लगे, उसके साथ कोई नहीं खेलता था। एक दिन मधु प्लेग्राउंड में अकेली बैठी हुई थी, तभी उसके पास स्कूल के कुछ बच्चे आए उसे परेशान करने। तभी उनमें से राजू नाम का एक लड़का बोला, बेचारी लड़की, कोई तुम्हारे साथ खेलता ही नहीं, पर तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं सबके साथ मिलकर खेलना चाहती हूँ, चलो सब मिलकर खेलते हैं। अभी नहीं, स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के पास जो एक नदी है वहाँ जाकर खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। स्कूल की छुट्टी के बाद मधु और राजू अपने दोस्त मोनू के साथ मिलकर नदी किनारे खेलने पहुँचे और खेलने लगे। तभी राजू के दोस्त मोनू ने मधु की बैसाखी छीन ली और बोला, अपनी बैसाखी मुझसे लेकर दिखाओ, मुझे पकड़ो, अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगी, और अगर नहीं पकड़ पाई तो मैं तुम्हारी बैसाखी इस नदी में फेंक दूंगा। मोनू की ये बात सुनकर मधु हैरान रह गई। मधु समझ गई कि वो उसके दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है, जो सिर्फ उसे परेशान करना चाहते थे। तभी मोनू ने मधु की बैसाखी नदी में फेंक दी। ये देख मधु फूट फूट कर रोने लगी, मेरी बैसाखी, अब मैं बिना बैसाखी के घर तक कैसे जाऊंगी? मेरे माता पिता इतने गरीब है कि मुझे दूसरी बैसाखी नहीं दिला सकते, मुझे नदी में जाकर अपनी बैसाखी वापस लानी होगी। मधु अपनी बैसाखी लाने नदी में तो कूद गई, लेकिन वो डूबने लगी। आह, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ। नदी किनारे खड़े दोनों जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं बढ़ा। आखिरकार मधु नदी में डूबकर मर गई। वहीं राजू और मोनू अपने अपने घर चले गए, लेकिन मधु मरने के बाद चुड़ैल बन गई। बहुत बुरे हो तुम सब, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मेरे साथ झूठा खेल खेला और मुझे मार डाला, मेरा क्या कसूर था? मैं गरीब लड़की थी या मैं एक पैर से लंगड़ी थी, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं आ रही हूँ तुम सबसे बदला लेने। राजू अपने घर में आराम से बैठकर खाना खा रहा था, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। राजू तुरंत उठकर दरवाजा खोलने गया। अरे इतनी रात को कौन आया होगा, कौन है? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर दरवाजा किसने खटखटाया? इतना बोलकर राजू कमरे में जाकर खाना खाने बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर से खटखट हुई। ओफो, कौन है,
राजू ने दरवाजा जैसे ही खोला तो उसके सामने लंगड़ी चुड़ैल खड़ी थी और वो गुस्से से उसे घूर रही थी। राजू इससे पहले कि चिल्लाता, चुड़ैल उसका एक पैर पकड़कर उसे खींचते हुए नदी की ओर ले गई। आह, मेरा पैर छोड़ दो चुड़ैल, तूने मेरा पैर तोड़ दिया, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कैसे कुछ नहीं किया, तूने मुझे मारा है, तुम्हारी वजह से आज मैं चुड़ैल बनी, मुझे नहीं पहचाना, मैं मधु हूँ, देखो मैं अभी भी एक पैर पर खड़ी हूँ। तुमने धोखे से मुझे खेलने के बहाने बुलाया था ना, और मेरी जान चली गई। अब मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगी, मैं तुम्हें पानी में धक्का दूंगी, अगर तुम पानी से बाहर आ गए तो जीत जाओगे, और नहीं आ पाए तो समझो हार गए। इतना कहकर चुड़ैल ने राजू को नदी में धक्का दे दिया और राजू नदी में डूबकर मर गया। सुबह जब नदी किनारे कुछ लोगों को राजू की लाश दिखाई दी तो उन्होंने उसके माता पिता को खबर की। अपने बेटे की लाश देख दोनों फूट फूट कर रोते हैं। दूर खड़ी लंगड़ी चुड़ैल ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। तभी चुड़ैल को कुछ याद आया। अरे, मेरे माँ बाबा भी तो मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे चलकर देखना होगा। चुड़ैल ने अपने घर के पीछे बनी खिड़की से जब अंदर झांक कर देखा तो उसके माँ बाबा रो रहे थे। पूरा गांव छान मारा, पर मधु बिटिया कहीं नहीं मिली। स्कूल भी जाकर देखा, लेकिन वहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता। आखिर बिटिया कहाँ जा सकती है? मैंने ही बोला था आपको उसे स्कूल भेजने के लिए, सब मेरी ही गलती है। मुझे उसे स्कूल जाने ही नहीं देना था, ना वो स्कूल जाती ना वो हमसे दूर होती। बेचारी ऐसी हालत में कहाँ होगी। हे भगवान, मेरी बच्ची को घर भेज दे। इसका मतलब इन्हें नहीं पता कि मैं मर चुकी हूँ। माँ बाबा मेरे घर आने की राह देख रहे हैं, पर मैं कभी नहीं आ सकती माँ बाबा के पास, मैं मर चुकी हूँ, और ये सच्चाई आप दोनों को जल्द पता लग जाएगी। तभी उसकी नज़र दूर खेल रही मीना पर गई और वो उसकी टांग पकड़कर उसे खींचते हुए नदी के पास ले गई। मेरे पैरों की तरफ देखो, मेरा एक ही पैर है। मरने से पहले मैं बैसाखी के सहारे चलती थी, पर मरने के बाद मेरे एक ही पैर में 10 पैर जितनी ताकत आ गई है। अभी देखा ना, मैं तुम्हें कैसे खींच कर लाई यहाँ। अगर तुम भी इतनी ताकत चाहती हो तो तुम्हें भी मरना होगा मेरी तरह। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तूने मेरे अपाहिज होने का बहुत मजाक उड़ाया था ना, अब तुझे मरना ही होगा। ये कहते हुए चुड़ैल ने मीना को नदी में धक्का दे दिया और नदी में डूबने से मीना की मौत हो गई। अब चुड़ैल हर रोज एक बच्चे की टांग तोड़ती और उसे नदी पर ले जाकर डुबोकर मार डालती। गांव में हो रही आए दिन बच्चों की मौत से चारों तरफ सनसनी फैल गई। ये सब क्या हो रहा है? गांव के बच्चे नदी में कूदकर अपनी जान क्यों दे रहे हैं? मुझे तो लगता है ये अपनी जान खुद नहीं दे रहे, बल्कि कोई इन्हें मार रहा है। हम सबको मिलकर उस हत्यारे को पकड़ना होगा। गांव के सभी लोग रात होते ही चौकन्ने हो गए और हर तरफ नजर रखने लगे, और कुछ लोग नदी के पास छिपकर पहरेदारी करने लगे। उधर चुड़ैल मोनू के घर जा पहुंची। मोनू अपने कमरे में सोया हुआ था। मेरी जिंदगी खराब करके तू चैन की नींद कैसे सो सकता है? मैं तेरा चैन सुख सब छीन लूंगी। तूने मेरी बैसाखी जानबूझकर नदी में फेंकी थी ना, अब तेरी बारी है नदी में डूबने की। उठ मोनू, उठ, देख कौन आया है। लेकिन मोनू नींद से जागा नहीं। फिर चुड़ैल जोर से उसके टांग पकड़कर उसे खींचने लगी। ये देख मोनू जोर जोर से चिल्लाने लगा। चुड़ैल उसकी एक टांग पकड़कर उसे घसीटते हुए नदी किनारे ले आई, पर नदी पर पहरा दे रहे कुछ लोगों ने चुड़ैल को देख लिया और शोर मचाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। अच्छा, तो ये सब तुम कर रही हो? अभी तक जितने भी बच्चे मरे हैं उन सबको तूने मारा है। देखो, मेरे बच्चे को छोड़ दे, उस मासूम में तेरा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मेरे बच्चे को, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने ये सब अपना बदला लेने के लिए किया। इन्हें मैंने अपना दोस्त माना था, इनके साथ खेलना चाहा, पर इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे लंगड़े होने का मजाक बनाया। इतना कहकर चुड़ैल ने मोनू को नदी में फेंक दिया।
तभी एक गांव वाले ने तुरंत नदी में कूदकर मोनू को डूबने से बचा लिया। लेकिन तभी उसकी नजर नदी के अंदर पड़ी मधु की लाश पर गई और वो उसे नदी के बाहर खींच कर ले आया। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मैं ही हूँ। इन सभी बच्चों की वजह से मेरी जान चली गई। तभी वहाँ राम किशोर और आरती भी दौड़े चले आए और अपनी चुड़ैल बेटी को सीने से लगा लिया। उन दोनों को यकीन हो गया कि अब उनकी बिटिया इस दुनिया में नहीं है। फिर उन्होंने मिलकर मधु की लाश का अंतिम संस्कार किया, पर मोनू हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है नए साल पर मिला अनोखा जादुई फ्रॉक की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। ये कहानी एक ज्योति नाम की लड़की की है जो अपनी माँ सविता के साथ रहती है। ज्योति के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। ज्योति अभी एक स्कूल में पढ़ाई करती है। ज्योति की माँ सविता ज्योति के साथ पढ़ने वाली नीलम के घर में नौकरानी का काम करती है। नीलम बहुत अमीर है और ज्योति को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि ज्योति एक नौकरानी की बेटी होते हुए भी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और साथ ही स्कूल में सभी ज्योति को बहुत पसंद भी करते हैं। एक दिन की बात है, नीलम अपनी दोस्त वीटी और रश्मि के साथ क्लास में बैठी हुई बातें कर रही थी और बोल रही थी, ये ज्योति की बच्ची आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है। तुम दोनों देख रही थी ना कैसे जानवी मैम को जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दे रही थी, जैसे सारी पढ़ाई उसने ही की है, हम तो कुछ पढ़ते ही नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो सभी टीचर के आगे ज्यादा ही पढ़ाकू बनती है। तभी जानवी मैम क्लास में आती है और सभी बच्चों से कहती है, जो भी न्यू ईयर पर डांस परफॉर्मेंस करना चाहता है वो अपना नाम मुझे बता दे, मैं लिस्ट ले जाकर प्रिंसिपल मैम के पास सबमिट करवा दूंगी। इतना सुनते ही नीलम, स्वीटी, रश्मि और बाकी बच्चों के साथ साथ ज्योति ने भी अपना नाम जानवी मैम को लिखने के लिए कहा। ज्योति के इतना कहते ही नीलम, स्वीटी और रश्मि हंसने लगी और बोली, ये पढ़ाकू डांस भी करेगी, लगता है ये भूल गई है कि ये एक नौकरानी की बेटी है। डांस वांस इसके बस की बात नहीं है, इसे तो घरों में झाड़ू पोछा करना चाहिए। और क्या, ये डांस करेगी? उन सभी की बात सुनकर ज्योति को बहुत बुरा लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। स्कूल में बहुत ही जोरों शोरों से न्यू ईयर की तैयारी चल रही थी। जानवी मैम ने ज्योति को न्यू ईयर पार्टी के लिए लिस्ट बनाने को कहा। ज्योति, न्यू ईयर पार्टी के लिए होने वाले डांस परफॉर्मेंस की तैयारियां तुम्हें ही करनी होगी। ध्यान रहे कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं, तो तैयारियां बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी मैम, मैं सब समझ गई, सभी तैयारियां ठीक से हो जाएगी। इतना कहकर ज्योति तैयारियों में जुट गई। उसने अपनी सहेलियों को अपनी मदद करने के लिए कहा और उनको अलग अलग काम सौंप दिए। डांस परफॉर्मेंस के लिए मंच को बहुत अच्छे से सजाया जा रहा था। ज्योति एक सीढ़ी पर चढ़कर डेकोरेशन कर रही थी कि तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। ज्योति के पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द से चीख उठी, आह मेरा पैर, आह मेरा पैर। ज्योति की आवाज सुनकर उसकी सहेलियां उसके पास आई और ज्योति को उठाकर मेडिकल रूम में ले गई। डॉक्टर ने जल्दी से ज्योति का पैर देखा और बोले, ज्योति तुम्हें तो बहुत चोट आई है, तुम्हें चोट कैसे लगी? ज्योति की सहेली रूपा ने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने ज्योति के पैर में पट्टी बांधी और उसे पूरे हफ्ते के लिए बेड रेस्ट करने को कह दिया। ये सुनकर ज्योति बहुत उदास हो गई और वही उदास चेहरे लिए लंगड़ाते हुए घर की ओर जाने लगी। रास्ते में उसे पेड़ के पास एक घायल खरगोश दिखाई दिया। खरगोश के पैर से बहुत खून निकल रहा था। ज्योति ने उसे देखा और लंगड़ाते हुए उस खरगोश के पास गई। ज्योति के पैर का दर्द बढ़ गया था। वो वहीं पेड़ के पास जाकर बैठी और उसने खरगोश के पैर में अपना रुमाल बांध दिया। फिर ज्योति उस खरगोश से बातें करने लगी और बोली, तुम्हारे पैर में भी बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे 7 दिन का बेड रेस्ट बोला है, लेकिन मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं स्कूल में होने वाली न्यू ईयर पार्टी में डांस परफॉर्मेंस नहीं कर पाऊंगी। इतना कहकर ज्योति रोने लगी। तभी खरगोश के पास से एक आवाज आई और खरगोश एक परी में बदल गया।
खरगोश से बनी परी को देखकर ज्योति बहुत हैरान हो गई और फिर वो परी बोली, मेरा नाम रूबी है और मैं परीलोक में रहने वाली एक परी हूँ। मैं पृथ्वी लोक पर एक खरगोश बनकर इधर उधर घूम रही थी कि तभी पृथ्वी लोक पर चलने वाली एक गाड़ी से मेरे पैर पर चोट लग गई और मैं घायल हो गई। तुम्हारे पैर में इतना दर्द होते हुए भी तुमने मेरी मदद की, तुम सच में बहुत नेक दिल लड़की हो। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए मैं तुम्हें एक जादुई फ्रॉक दे रही हूँ। इसे पहनने के बाद तुम्हारा पैर भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारी सभी परेशानियाँ भी। इतना कहकर रूबी परी ने ज्योति को वो जादुई फ्रॉक दे दी और वहाँ से चली गई। रूबी परी की दी हुई जादुई फ्रॉक को ज्योति देखने लगी और सोचने लगी, क्या सच में इसे पहनकर मेरा पैर ठीक हो जाएगा? चलो जो भी हो, एक बार इसे पहनकर देख लेती हूँ। इतना कहकर ज्योति वो जादुई फ्रॉक को पहन लेती है। जादुई फ्रॉक पहनते ही ज्योति का पैर पलक झपकते ही ठीक हो जाता है। ये देखकर ज्योति बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरा पैर तो ठीक हो गया, अब मैं न्यू ईयर पर होने वाले डांस परफॉर्मेंस में पार्ट ले सकती हूँ। अब ज्योति खुशी खुशी अपने घर की ओर गई। उसने देखा उसके घर के जगह वहाँ एक बहुत सुंदर घर है और उसकी माँ घर के बाहर खड़ी होकर ये सोच रही है, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये घर मेरा तो नहीं है। इतना बड़ा और इतना सुंदर घर, ये कैसे आ गया यहाँ और मेरा घर कहाँ चला गया? ज्योति अपनी माँ के पास आती है और वो भी सोच में पड़ जाती है कि तभी उसे याद आता है कि रूबी परी ने कहा था कि मेरे पैर के ठीक हो जाने के साथ साथ मेरी सभी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। फिर ज्योति अपनी माँ से कहती है, माँ ये हमारा ही घर है, आप अंदर तो चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ज्योति की बात सुनकर ज्योति की माँ सविता उसके साथ अंदर जाती है और देखती है कि घर बहुत बड़ा और सुंदर था। फिर ज्योति अपनी माँ को रूबी परी से मिली हुई जादुई फ्रॉक के बारे में बताती है। उसकी माँ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब उन्हें अपने दिन गरीबी में नहीं काटने पड़ेंगे। अगले दिन न्यू ईयर पार्टी थी। ज्योति अपने स्कूल जाती है और एक बार सभी तैयारियों को ध्यान से देखती है। सभी तैयारियां एकदम परफेक्ट हुई थी और अब बस इंतजार था न्यू ईयर पार्टी शुरू होने का। कुछ ही देर बाद न्यू ईयर पार्टी शुरू हो जाती है। स्कूल में आए हुए स्पेशल गेस्ट का स्वागत सभी बच्चे और टीचर एक साथ मिलकर करते हैं। डांस परफॉर्मेंस शुरू होती है और सभी बच्चे जो डांस कर रहे थे बहुत खुशी से और जोश के साथ अपनी डांस परफॉर्मेंस को खत्म करते हैं। ज्योति को डांस करता देख नीलम और उसकी सहेलियां बहुत हैरान हो गई थी और अब उन्होंने फैसला किया था कि वो कभी ज्योति का मजाक नहीं बनाएंगे और ज्योति को अच्छे से ट्रीट करेंगे। और जादुई फ्रॉक की मदद से ज्योति के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। ज्योति की माँ सविता और ज्योति दोनों ही अपनी जिंदगी बहुत आराम से काट रहे थे। ज्योति कुछ गरीब लोगों की मदद भी करती है। उसकी माँ सविता को घर में नौकरानी की तरह काम नहीं करना पड़ता। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी बिना कोई काम किए अच्छे से निकाल सकती हैं।